हे गाइस, आज मैं आप सबको ले जाने वाली हूँ राउरकेला मोस्ट न्यूली लॉन्च्ड क्रॉस रोड की तरफ एंड ऑल्सो मोती महल की तरफ, विच इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट सिंस 1920। सो हेयर आई एम रेडी विद वेयर अ वेलवेट जंप सूट। इसे मैंने परचेस किया था सीन से, जो कि अभी इंडिया में बैन है, तो उस टाइम से मैंने इसे परचेस किया था। इसका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं किया है, मैं अपने चैनल पे बाद में इसे कर दूँगी रिव्यू। सो यहाँ मैं निकल पड़ी हूँ और ये मॉल है राउरकेला के बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के पास। तो अगर आप इस मॉल में आना चाहते हो तो आपको बस राउरकेला रेलवे स्टेशन से निकल के लेफ्ट साइड में ही ये मॉल आपको दिख जाएगी। बहुत ही अच्छा बना है एंड एकदम टाउन में है, तो किसी को भी इसे ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल प्रॉपर जगह में है। सो ये एकदम स्टेशन एंड ऑल्सो ऑटो स्टैंड के भी बिल्कुल पास में ही है। सो दिस इज़ द मॉल, हम पहुंच गए यहाँ पे एंड दिस इज़ द आउटर लुक फ्रॉम रोड साइड विच इज़ द मॉल। एंड काफ़ी बड़ी बनाया गया है इसे एंड ऑल्सो ये फिफ्थ फ्लोर की है, सो बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है एंड यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे से किया गया है, यू कैन सी। सो दिस इज़ द इनर लुक और इसके बाद मैं आपको एक के बाद एक पूरी मॉल घुमाने वाली हूँ एंड आपको इसका एक लुक देने वाली हूँ। ये पूजा स्पेशल एंड दिवाली स्पेशल इसे अच्छे से सजाया गया है, यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ग्रेट। मॉल में आने से पहले ही आपको ये लोग अच्छे से सैनिटाइज कर देते हैं, फुल बॉडी सैनिटाइज, उसका भी मैं आपको फुटेज दिखाने वाली हूँ थोड़ा बाद में। सो दिस इज़ हाउ द लुक ऑफ दिस मॉल, बहुत ही अच्छे से फेस्टिव लुक दिया गया है, यू कैन सी। और यहाँ पे आपको हर तरीके की ब्रांड्स मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स की कलेक्शन यहाँ पे रखा गया है एंड बहुत ही अच्छी क्लोथ एंड ऑल्सो फेस्टिव चल रही है, तो आपको डिस्काउंट में भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट में आपको क्लोथ्स मिलने वाले हैं। अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रही है, 30-50 बाय वन गेट वन, ऐसे भी बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रही है। सो यू रियली इन्जॉय एंड आप खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप वीडियो ले सकते हो एंड ऑल्सो फोटो क्लिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉल है घूमने के लिए। एंड यू कैन सी हेयर एवरीवेयर बैनर लगा हुआ है डिस्काउंट्स के एंड बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स की कलेक्शन यहाँ पे रखी गई है, यू कैन सी। मेल फीमेल बॉय गर्ल एवरीवन कैन विजिट एंड ऑल्सो इन्जॉय। यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कुछ वीडियो शूट कर लिए थे, सो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम एंड यहाँ के कुछ फुटेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम में डालती रहती हूँ जो कि यूट्यूब में नहीं डालती, सो आप मुझे वहाँ पर DM भी कर सकते हो। अब देख ही सकते हो यहाँ पे इसे ऐसा अच्छा अच्छा पूरा लुक भी दिया गया है एंड ऑल्सो हम यहाँ पे मास्क पहन के ही घूम रहे थे क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, तो एवरीवेयर यू मस्ट वेयर मास्क। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की भी बहुत सारे यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगी एंड टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, इस तरीके की बहुत सारे टेडीज की भी यहाँ पे शॉप है एंड ज्वेलरीज की भी शॉप है यहाँ पे। ऑल्सो लगेज वगैरह की आप देख ही सक रहे हो कि काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप्स है एंड ऑल्सो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है एंड मोती महल भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज़ इंडियाज फेमस रेस्टोरेंट सिंस 1920। एंड मोती महल के बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है एंड जो कि है कुंदन लाल गुजराल के बारे में, जो कि हमें एक फेमस शेफ है एंड हमें बहुत ही अच्छा एक क्विजिन दिया गया है जो कि इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो उस क्विजिन के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी है वो क्विजिन जो कि हमें कुंदन लाल गुजराल ने दिया है और बहुत ही फेमस है।
एंड आई विल टेल यू लेटर. सो दिस इज़ हाउ ऑल द डेकोरेशन. बाहर की तरफ भी आप देख सकते हो, ये लाइटें बाहर की तरफ की है एंड ऑल्सो अंधेरे में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स है. एंड लुक वाइज भी आप देख सकते हो, ये मॉल बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस भी लग रही है. एंड चारों ओर आपको ऐसे ही सीढ़ी मिल जाएगी जिससे आपको चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ऑल्सो यहाँ पर लिफ्ट्स भी है उतरने के लिए एंड उठने के लिए भी. और अगर आपको लिफ्ट फोबिया है तो सीढ़ी भी है नीचे जाने के लिए, आप सीढ़ी से भी जा सकते हो. ये सब मैं आपको दिखा दूंगी एक के बाद एक. सो यहाँ पे मैं आपको हर फ्लोर में जाके हर फ्लोर का लुक दिखा रही हूँ. एंड यू कैन सी यहाँ पे इंडियन एथनेटिक वेयर्स की बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखा गया है. साड़ी वगैरह बच्चों के लिए, किड्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पे आए हुए हैं. एंड फुल डेकोरेशन आल्सो रियली वेरी इंडियन लुक. एंड चारों ओर आपको पूजा एंड फेस्टिव लुक दिख रही है. फूलों से सजाया गया है, कपड़ों से सजाया गया है. एंड कोरोना टाइम है तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज का सिस्टम भी रखा है, विच इज़ रियली ग्रेट. फुल बॉडी सैनिटाइज करते हैं एंड ऑल्सो हैंड्स में भी सैनिटाइजर लगा देते हैं एंड ऑल्सो मेजरमेंट चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं. सो एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड. काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इस मॉल में आके. बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे आ सकते हैं, उनको भी चढ़ने में आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा लग रहा है सुपरमैन की तरह एकदम चढ़ जाओगे आप ऊपर में. एंड ऊपर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो डेकोरेशन है पूरा, ऊपर में भी फ्लोर्स में भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन किया है. और अभी हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्स भी मिल जाएगी. तो यहाँ ये है फूड कोर्ट एंड जो कि है मोती महल का फूड कोर्ट. एंड जो मैं आपको बताने वाली थी कि कुंदन लाल गुजराल ने हमें ऐसा कौन सा क्विजिन दिया है जो कि हमें ना केवल इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस करता है. सो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फूड कोर्ट, ये मोती महल के नाम से ही जाना जा रहा है. एंड ये बिल्कुल ही डेडिकेट किया गया है कुंदन लाल गुजराल के नाम पे. एंड कुंदन लाल गुजराल द फादर ऑफ तंदूरी क्विजीन, द लेजेंड ऑफ फाउंडर ऑफ मोती महल, द मैन हु गिव अस तंदूरी चिकन. यस गाइस, सो दिस इज द हिस्ट्री विच कुंदन लाल गुजराल ने हमें दिया है जो कि है तंदूरी क्विजीन एंड ऑल्सो तंदूरी चिकन जो कि अभी वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत ही टेस्टी है. एंड ये आप देख सकते हो ये पूरा उनके हिस्ट्री के बारे में है. बहुत ही अच्छे से हम सबको इन्होंने प्राउड किया है वर्ल्ड वाइज एंड इतना टेस्टी फूड है. सो हमने सोचा क्योंकि ये 11 बजे तक खुला रहता है ये फूड कोर्ट, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं. सो दिस इज़ पुश बार जहां आप जा सकते हो नीचे की तरफ. लिफ्ट भी है, अभी मैं आपको सीढ़ी से जाके दिखाती हूँ. सीढ़ी से भी आप जा सकते हो, जिनको लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, लिफ्ट फोबिया है, तो वो सीढ़ी से भी जा सकते हैं. एंड ये है बाहर का फुल लुक एट द टाइम ऑफ 9:30.
तो इस तरीके की ये देख रहे हो आप, ये सैनिटाइज़र मशीन है, जहाँ पे आप जब अंदर जाते हो तो ये सैनिटाइज़र मशीन आपके फुल बॉडी को सैनिटाइज़ कर देती है। ये यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पे आप देख ही सक रहे हो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बैठने का जगह भी है, वेल डेकोरेट किया गया है। एंड यहाँ पे हर तरीके के शोरूम आप देख सक रहे हो, बाटा वगैरह भी यहाँ पे, फुटवेयर कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा रखा गया है। पूरे ग्राउंड में ग्रास कारपेट बिछा गया है, सो बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं। एंड कार पार्किंग की भी जगह है। एंड दिस इज़ द क्रॉस रोड मॉल का टैग एंड ऑल्सो लोगो। तो जब हम निकल रहे थे तभी 9:30 बज रहा था, और निकलने के टाइम मैंने टाइम नहीं देखा था, पर जैसे ही मैंने देखा कि 9:30 है तो मैं फिर से आ गई अंदर एंड पापा को कहा कि एक ही बार में खा के ही निकलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी एंड काफ़ी टाइम बैठना पड़ेगा। तो यहाँ के खाने का सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ, एंड क्या क्या मेन्यू है, क्या क्या थाली वगैरह क्विजीन है यहाँ पर, वो सब भी मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज़ डोसा ट्रायल। सो द मोती महल ड्यूलक्स में आपको मिलती है डोसा ट्रायल एंड ऑल्सो चाट ट्रायल, चाइना ट्रायल एंड गोल्डन ओवन एंड ऑल्सो फ्रेशली। एंड तभी 9:30 का टाइम था, एंड उसी बीच चाइना ट्रायल ख़त्म हो चुका था, गोल्डन ओवन भी ख़त्म हो गया एंड ऑल्सो फ्रेशली भी ख़त्म हो गया था, बस इंडियन ही बचा था, यानी कि डोसा ट्रायल। पर डोसा ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन में बहुत सारे आपको क्विजिन भी मिल जा रहे थे, तंदूरी वगैरह जो कि यहाँ का फेमस है, तंदूरी एंड चिकन ग्रेवी नान ये सब मिल जा रही थी। तो हमने नान का ऑर्डर किया, बिरयानी हमने कई बार खा लिया था इस फेस्टिव में, तो नान ही खाना बेहतर समझा। सो यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले एक कार्ड लेना पड़ता है एंड कार्ड को रिचार्ज करना पड़ता है, एंड रिचार्ज मीन्स आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड वो रिचार्ज कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बच गया तो फिर कार्ड को रिटर्न देने के टाइम वो आपको पैसा रिफंड कर देते हैं, एंड ऑल्सो अगर आपको पैसा कम पड़ गया है तो ये आपको फिर से भेजेंगे रिचार्ज करने के लिए, एंड देन आप रिचार्ज करोगे एंड फिर आओगे। यहाँ का फूड का जो सिस्टम है मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा, एंड जैसे कि हमें डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स एंड ऑल्सो सारी जगहों पे मिलती है, वैसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, पर हमें बार बार आके पूछना पड़ेगा, विच इज़ रियली वेरी डिप्रेसिंग। एंड ये सुनने के बाद सच्ची में गुस्सा बहुत आ रहा था कि कैसे कोई खाने के लिए बार बार आके पूछेगा कि खाना बना है क्या, खाना बना है क्या। एंड मैं बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कह दिया कि 20 मिनट लगेंगे, पर उसके बाद भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द कार्ड, रिचार्ज कार्ड, जब तक आपके पास है तब तक आप माला माल हो, गायब हो गया तो गया। एंड दिस इज़ द बिल ऑफ 3 नान एंड 1 बटर कढ़ाई पनीर, या कढ़ाई पनीर का, विच इज़ आप देख सकते हो 368, या 3 नान एंड 1 कढ़ाई पनीर का प्राइस है 368। तो हमने एक लिया और एक पैक किया घर के लिए। और जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरी जगहों पे आपको नंबर शो करता है, आपको नंबर दिया जाता है, एंड जैसे वो नंबर शो हो तो आप जाके आपकी थाली लेके आते हो, पर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, आपको बार बार जाके पूछना पड़ेगा खाना बना है कि नहीं, रेडी हुआ है कि नहीं, आपका ऑर्डर हुआ है कि नहीं, तो विच इज़ नॉट गुड। एंड दिस इज़ हाउ आपको सब कुछ ले आना पड़ेगा, एंड क्योंकि मेरे डैड को बिल्कुल आदत नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं, तो वेटर आते हैं देने के लिए, एंड पापा कह रहे थे कि प्यार से नहीं खिलाओगे तो क्यों आएंगे इतना पैसे दे के, विच इज़ ऑल्सो या ट्रू। सो काफ़ी ज़्यादा मेरे डैड गुस्सा हो गए थे, एंड
दिस इज़ हाउ द फूड यू कैन सी. ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है एंड इसे टेस्ट करके भी मैं आपको बताऊंगी. एंड ये जो ग्रेवी है तो इनके पास सब्जी नहीं है, तो आपको अगर कोई भी सब्जी वाली आइटम मंगवानी है तो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली. आई डोंट नो बाद में इन्होंने मेनू में ऐड किया है या फिर इनके पास नहीं था सामग्री इसलिए नहीं बना पाया, आई डोंट नो. सो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इनके पास कोई भी सब्जी वाला आइटम नहीं था. मैं सोची थी कुछ वेज हैदराबादी ऑर्डर करूँगी बट नहीं थी, सो हमें पनीर ऑर्डर करना पड़ा. सो दिस इज़ एंड आई ईट दिस, बट ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है टेस्ट वाइज उतनी बढ़िया नहीं थी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था. एंड जो नान था वो सॉफ्ट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था एंड कुरकुरे टाइप का था. एंड कभी कभी कुछ बाइट्स में ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह को छेदना कर दे. सो यू कैन सी इट्स लुक वेरी डिलीशियस. मैं नहीं कर रही हूँ कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. खाने में भी ठीक था पर बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था. इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मैं खा चुकी हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में. सो ये ख़त्म हो गया एंड दिस इज़ आवर पार्सल. एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनू भी मिलेंगे जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि यहाँ पे आपको क्या क्या फूड्स मिल रही है, मेनू क्या क्या है. सो जो हमारे पैसे ज़्यादा बच गए थे यहाँ पे रिफ़ंड हो गया है. एंड अब मैं आपको लिफ्ट से जाके दिखाने वाली हूँ. सो लिफ्ट एरिया इज़ लाइक दिस. जो भी फ्लोर पे आपको जाना है तो आप लिफ्ट से यहाँ से जा सकते हो. साइड में आपने देख लिया कि वो सीढ़ी भी है एंड लिफ्ट में 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं इन दिस COVID-19 पेंडेमिक टाइम. सो यू कैन सी मैक्सिमम 4 पीपल एंड यहाँ पे स्टेप्स भी बना दिया गया है, इस हिसाब से आपको खड़े होना है डिस्टेंस मेंटेन करके. एंड यू कैन सी पापा का चेहरा पूरा उतर चुका है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि प्लेट लेके कौन आएगा. एक्चुअली मैं जाने वाली थी पर उतने में मैंने देखा कि कोई वेटर भी हेल्प करने के लिए आया है, सो मैं नहीं गई. वो वेटर देके गया. एंड अभी रात के 10:45 बज रहा है. मॉल सारी दुकानें आप देख सकते हो बंद हो गई है, लाइट्स भी सारे ऑफ हो गई है. बच्चे कुछ ही लोग थे जो कि रेस्टोरेंट में यानी कि फूड कोर्ट में अभी बैठे थे, खाना खा रहे थे, वही लोग हम सब अभी निकल रहे हैं. एंड यू कैन सी पूरे लाइट्स ऑफ हो गई है. एंड अभी मैं घर जाने वाली हूँ एंड घर में आके मैं आपको ये सारी पैकेट की जो पैकेजिंग उन्होंने किया है, फूड जो घर में लेके आए हैं वो पैकेजिंग कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी. सो दिस इज़ द पैकेजिंग विच आई ऑर्डर पनीर एंड नान एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ स्लाइसेस भी डाला हुआ है एंड दिस इज़ द मेनू. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल रही देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब.